एक व्यक्ति काफी दिनों से चिंतित चल रहा था, जिसके कारण वह काफी चिड़चिड़ा तथा तनाव में रहने लगा था। वह इस बात से परेशान था कि घर के सारे खर्चे उसे ही उठाने पड़ते हैं, पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है, किसी न किसी रिश्तेदार का उसके यहाँ आना जाना लगा ही रहता है। इन्हीं बातों को सोच कर वह काफ़ी परेशान रहता था तथा बच्चों को अक्सर डांट देता था और अपनी पत्नी से भी ज़्यादातर उसका किसी न किसी बात पर झगड़ा चलता रहता था। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पिताजी मेरा स्कूल का होमवर्क करा दीजिए। वह व्यक्ति पहले से ही तनाव में था तो उसने बेटे को डांट कर भगा दिया, लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा शांत हुआ तो वह बेटे के पास गया तो देखा कि बेटा सोया हुआ है और उसके हाथ में उसके होमवर्क की कॉपी है। उसने कॉपी लेकर देखी और जैसे ही उसने कॉपी नीचे रखनी चाही, उसकी नज़र होमवर्क के टाइटल पर पड़ी। होमवर्क का टाइटल था, वे चीज़ें जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में वे अच्छी ही होती है। इस टाइटल पर बच्चे को एक पैराग्राफ लिखना था, जो उसने लिख लिया था। उत्सुकतावश उसने बच्चे का लिखा पढ़ना शुरू किया। बच्चे ने लिखा था, मैं अपने फाइनल एग्ज़ाम को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में तो ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते लेकिन इनके बाद स्कूल की छुट्टियाँ पड़ जाती है। मैं ख़राब स्वाद वाली कड़वी दवाइयों को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में तो ये कड़वी लगती है लेकिन ये मुझे बीमारी से ठीक करती है। मैं सुबह सुबह जगाने वाले उस अलार्म घड़ी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो मुझे हर सुबह बताती है कि मैं जीवित हूँ। मैं ईश्वर को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिसने मुझे इतने अच्छे पिता दिए, क्योंकि उनकी डांट मुझे शुरू में तो बहुत बुरी लगती है लेकिन वो मेरे लिए खिलौने लाते हैं, मुझे घुमाने ले जाते हैं और मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास पिता है, क्योंकि मेरे दोस्त सोहन के तो पिता ही नहीं हैं। बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद वह व्यक्ति जैसे अचानक नींद से जाग गया हो, उसकी सोच बदल सी गई। बच्चे की लिखी बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी, खासकर वह लास्ट वाली लाइन। उसकी नींद उड़ गई थी। फिर वह व्यक्ति थोड़ा शांत होकर बैठा और उसने अपनी परेशानियों के बारे में सोचना शुरू किया। मुझे घर के सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं, इसका मतलब है कि मेरे पास घर है और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से बेहतर स्थिति में हूँ जिनके पास घर नहीं है। मुझे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, इसका मतलब है कि मेरा परिवार है, बीवी बच्चे हैं और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से ज़्यादा खुशनसीब हूँ जिनके पास परिवार नहीं है और वो दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। मेरे यहाँ कोई ना कोई मित्र या रिश्तेदार आता जाता रहता है, इसका मतलब है कि मेरी एक सामाजिक हैसियत है और मेरे पास मेरे सुख दुख में साथ देने वाले लोग हैं। हे मेरे भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे माफ़ करना, मैं तेरी कृपा को पहचान नहीं पाया। इसके बाद उसकी सोच एकदम से बदल गई, उसकी सारी परेशानी सारी चिंता एकदम से जैसे ख़त्म हो गई, वह एकदम से बदल सा गया। वह भागकर अपने बेटे के पास गया और सोते हुए बेटे को गोद में उठाकर उसके माथे को चूमने लगा और अपने बेटे को और ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। हमारे सामने जो भी परेशानियाँ हैं, हम जब तक उनको नकारात्मक नज़रिए से देखते रहेंगे तब तक हम परेशानियों से घिरे रहेंगे, लेकिन जैसे ही हम उन्हीं चीज़ों को उन्हीं परिस्थितियों को सकारात्मक नज़रिए से देखेंगे, हमारी सोच एकदम से बदल जाएगी, हमारी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, सारे तनाव एकदम से ख़त्म हो जाएंगे और हमें मुश्किलों से निकलने के नए नए रास्ते दिखाई देने लगेंगे। अगर आपको बात अच्छी लगे तो उसका अनुकरण करके ज़िंदगी को खुशहाल बनाइए। धन्यवाद।